तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं अनिल अंबानी की एक कंपनी की, दैट इज रिलायंस पावर, जिसमें आजकल बहुत ही ब्यूलिश रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एक साल में ये जो स्टॉक है 183% के मल्टी बैगर रिटर्न्स देता दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया ट्रेंड्स है। और दोस्तों, यदि हम इसकी करंट मार्केट प्राइस देखें तो 28.25 की है। क्या आने वाले टाइम भी दोस्तों ये स्टॉक इसी तरह रैली करता रहेगा? क्या अब इस स्टॉक में निवेश करना सही होगा? इस पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, ये आप देख सकते हो 1 रुपीज तक भी चला गया था इन द अप्रैल 2020, जब कोविड आया था। तो इस स्टॉक की प्राइस बहुत ही नीचे चली गई थी, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूसली रिकवरी हुई है। उस पे आज हम चर्चा करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, एंड तक जरूर हमारे वीडियो के साथ बने रहें। नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, रिलायंस पावर जो कंपनी है, ये अनिल अंबानी की कंपनी है, एंड इसने की जो करंट मार्केट प्राइस है, जैसे आपको पता ही है, 28 के अराउंड इसकी मार्केट प्राइस चल रही है। एंड कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया हुआ है, वी विश टू इन्फॉर्म दैट द सब्सिडरीज ऑफ द कंपनी, दैट इज नेमली कलाई पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड रिलायंस क्लीन जन लिमिटेड, फॉर द पर्पज ऑफ द डेप्ट सेटलमेंट हैज साइंड ए डेप्ट सेटलमेंट एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट विद द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द एथुम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज RCFL, ऑन मार्च 26, 2024, इन द सेटलमेंट ऑफ द एंटायर ओब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर आउटस्टैंडिंग कंसोलिडेटेड डेब्ट ऑफ ₹1,023 करोड़। तो इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने 1,023 करोड़ के अराउंड डेब्ट सेटलमेंट की गई है विद द अथोम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों पहले क्या हो गया था, कंपनीज के ऊपर डेब्ट बहुत ज़्यादा था। जो इंजन अनिल अंबानी है, वो भी एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही हाई डेब्ट मैन बन गए थे। और अब वो क्या कर रहे हैं, अपना डेब्ट रिड्यूस करने पे काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपना जो डेब्ट है उसकी सेटलमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ आ गई है कि यदि उन्होंने बिजनेस करना है, यदि उनकी कंपनीज को ग्रो करना है, तो फिर उनको डेब्ट सेटलमेंट करना होगा, अपना डेब्ट जो है वो रिड्यूस करना होगा। तो इसी के डायरेक्शन में ये कंपनीज ने एक काम किया है। तो इसलिए दोस्तों इस स्टॉक में एक तेजी जो है बन गई है। फर्दर, इट इज नाइदर द रिलेटेड पार्टी और पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, ये भी आपको समझना चाहिए। टेक्निकली एनालिस्ट की यदि बातें माने तो ये स्टॉक जो है मिक्स ट्रेंड शो कर सकता है। द स्टॉक में स्लिप टुवर्ड्स 22 लेवल्स इन द नियर टर्म, क्योंकि दोस्तों पहले स्टॉक में बहुत ही ज्यादा तेजी हो चुकी है, और टेक्निकली ये स्टॉक 22 के अराउंड जाता दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका यही सपोर्ट है। यदि इसकी हम ट्रेंड्स देखिए तो डेली चार्ट पे इसका जो सपोर्ट है, पहला 26.3 के अराउंड बन रहा है, डेली क्लोज देखें अबव द 29 कुड लीड टू अपसाइड अप टू 34.4 इन द नियर टर्म। तो यदि ये स्टॉक 29 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि इसका पहला रेजिस्टेंस है, तो फिर ये स्टॉक 34.4 के अराउंड जाएगा। लेकिन यदि ये स्टॉक डेली चार्ट पे 26.3 का लेवल तोड़ता है, तो फिर इसमें 22 के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब इन लेवल्स पे आपको फोकस करना है। पॉजिटिव ट्रिगर आएगा तो 30 प्लस से लेके 35 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब इस कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको स्टडी कर लेते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दिसंबर में कंपनी के नंबर इतने अच्छे नहीं रहे थे। नेट इनकम में 289% की गिरावट हुई है ऑन ए वाई ऑन वाई बेसिस, क्योंकि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इनपुट कॉस्ट का प्रेशर डायरेक्टली कंपनी के नंबर्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। चार्ट देखो, चार्ट में भी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है, जो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वहां पे प्रॉफिट की बात करो तो नीचे गिर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, ये सितंबर का डाटा है, ये दिसंबर 23 का डाटा है, तो कंपनी का लॉस भी बढ़ गया है। आप वाई ऑन वाई बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो कंपनी का लॉस बढ़ रहा है। इसलिए दोस्तों, अब इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक फंडामेंटल्स नहीं सपोर्ट करेंगे, चलो ये अच्छी बात है कि कंपनी का डेब्ट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव नहीं होंगे, तब तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। जीयर ऑन जीयर बेसिस पे भी देखो, कंपनी ने अपना लॉस जो है रिकवर जरूर किया हुआ है।
नेट प्रॉफिट देखो तो नेट भी जो है अब थोड़ा इसका नेट वर्थ देख लो वो थोड़ा कंसिस्टेंसी जरूर शो कर रहा है, ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है, ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों इसलिए हम आपको यही कहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो इसके क्वार्टर फोर के नतीजे एक बार जरूर चेक कर लो, क्योंकि ये रैली तभी सस्टेन कर पाएगी जब इसके जो फाइनेंशियल है वो सपोर्ट करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो दोस्तों, पहले FIIs का डाटा ही देख लेते हैं। प्रमोटर के पास जो है 24.49% की होल्डिंग थी जो कि अब 23.24% की रह गई। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि रिटेलर की होल्डिंग कम हो रही है। रिटेलर की होल्डिंग दिसंबर में देखो जो थी 64% के राउंड थी, जो मार्च 24 का डाटा आया है वहाँ पे रिटेलर की होल्डिंग कम हो गई है, 58 हो गई है, 64 से 58 हो गई। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि FIIs जिनकी पहले होल्डिंग 8.37% थी अब उनकी होल्डिंग जो है 13.16% हो गई है, और DIIs की होल्डिंग भी 4.74% है। तो एक तरह से कह सकते हो कि अच्छा ट्रेंड है, जो बड़े बड़े DIIs है FIIs है वो इस कंपनी में अब पैसा लगाते दिखाई दे रहे हैं, वो इस कंपनी में ट्रस्ट शो करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों यदि क्वार्टर फोर के नतीजे सही आ जाते हैं तो फिर इस स्टॉक में आपको रैली कंटिन्यू रहती दिखाई दे सकती है, क्योंकि कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा बिजनेस भी कर रही है और अपना डेब्ट जो है वो भी आपको रिड्यूस करती दिखाई दे रही है। तो शॉर्ट टर्म में जो हमने आपको लेवल्स बताए हैं दोस्तों उन पे फोकस करें, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो इसके क्वार्टरली नतीजे एक बार जरूर जान के फिर बाद में इस स्टॉक में जो है वो आप निवेश कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस थैंक्स के दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स के।